कृष्ण और जामवंत का युद्ध। प्रिय भक्तों, आज हम जानेंगे दो ऐसे महान योद्धाओं के बारे में जिसमें से एक प्रभु श्री नारायण के अवतार हैं, तो दूसरे प्रभु श्री नारायण के अवतार के परम भक्त जामवंत जी, जो अत्यंत पराक्रमी थे, जिनका जन्म स्वयं ब्रह्मा जी से हुआ और जो प्रभु श्री नारायण के सातवें अवतार प्रभु श्री राम के परम भक्त थे। वहीं प्रभु श्री कृष्ण, जो कि स्वयं भगवान नारायण के आठवें अवतार थे, जिनका जन्म द्वापर युग में कंस का अंत कर इस संसार को उस दुष्ट के अत्याचारों से मुक्त कराने हेतु हुआ था। परंतु ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जिसके चलते जामवंत जी को अपने ही प्रभु के अवतार प्रभु श्री कृष्ण से युद्ध लड़ना पड़ा, और कितने दिनों तक चला वो युद्ध, क्या हुआ उस युद्ध का परिणाम, तो आइए जानते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार द्वापर युग में सत्राजीत नाम के एक यादव ने भगवान सूर्य की उपासना की और सत्राजीत की उपासना से भगवान सूर्य अत्यधिक प्रसन्न हुए। सूर्य देव ने सत्राजीत की उपासना से प्रसन्न होकर सत्राजीत को एक दिव्य मणि भेंट की, जिसका तेज सूर्य के समान था। सत्राजीत भगवान सूर्य द्वारा दिव्य स्मयंतक मणि पाकर अति प्रसन्न हुआ और वो उस मणि को पहनकर यादवों की सभा में जा पहुंचा, जहां श्री कृष्ण भी मौजूद थे। हे कृष्ण, ये तो हमें सूर्य देव का तेज प्रतीत होता है। क्या सूर्य देव आपके दर्शन हेतु स्वयं यहाँ पधारे हैं? नहीं, ये तो सत्राजीत है, जिन्होंने भगवान सूर्य की उपासना करके उनसे इस दिव्य मणि को प्राप्त किया है। सत्राजीत, तुम्हारे पास ये अलौकिक दिव्य मणि है, परंतु ऐसी दिव्य मणि का हकदार तो केवल राजा होता है। तुम ये दिव्य मणि हमारे राजा अग्रसेन को दे दो। यादवों के मुख से ये बात सुनकर सत्राजीत उन्हें बिना कोई भी उत्तर दिए वहां से चले गए। उसके कुछ दिन पश्चात सत्राजीत के भाई प्रसेनजीत स्मयंतक मणि को धारण कर अपने अश्व पर सवार होकर शिकार हेतु जंगल में जा पहुंचे। परंतु शिकार करते समय एक सिंह ने जंगल में प्रसेनजीत और उनके अश्व की हत्या कर दी और उनसे वो मणि छीन ली। जब प्रसेनजीत जंगल से वापस अपने घर नहीं लौटे, तब उनके भाई सत्राजीत को उनकी अत्यंत चिंता हुई और उन्हें ऐसा लगा कि श्री कृष्ण ने स्मयंतक मणि को चुराने के लिए उनके भाई प्रसेनजीत की हत्या कर दी और सत्राजीत ने प्रभु श्री कृष्ण पर अपने भाई प्रसेनजीत की हत्या और स्मयंतक मणि को चोरी करने का दोषारोपण किया। उस कृष्ण ने ही मेरे भाई प्रसेनजीत की हत्या करके स्मयंतक मणि को चुराया है। कृष्ण, क्या हुआ सत्राजीत? तुम्हारा हमारे महल में पधारने का क्या प्रयोजन है? क्या तुम्हें तनिक भी लज्जा नहीं? लज्जा? परंतु किस बात की लज्जा सत्राजीत? तुमने स्मयंतक मणि को चुराने के लिए मेरे भाई प्रसेनजीत की हत्या की है। मैं तुम्हें कभी क्षमा नहीं करूंगा। सत्राजीत, ये आप मुझ पर कैसा दोष लगा रहे हैं? जो पाप हमने किया ही नहीं, उस पाप का दोष हम पर क्यों लगा रहे हैं? तुम हमें अपनी मीठी बातों में नहीं फंसा सकते हो कृष्ण। तुमने ही हमारी स्मयंतक मणि चुराई है और तुमने ही हमारे भाई प्रसेनजीत का वध किया है। नहीं सत्राजीत, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, परंतु अपनी बेगुनाही का प्रमाण करने के लिए हम स्वयं समंतर मणि को खोजकर तुम्हारे पास लाएंगे और तुम्हारे भाई का भी पता लगाएंगे। तो ठीक है, परंतु जब तक तुम हमारे भाई और समंतक मणि को खोजकर नहीं लाते, तब तक मैं तुम पर विश्वास नहीं करूंगा। तुम्हें अपनी बेगुनाही को प्रमाणित करने के लिए मेरे भाई और स्मयंतक मणि को खोजकर मेरे पास लाना होगा। सत्राजीत के लगाए आरोप के कलंक को हटाने के लिए श्री कृष्ण यादवों सहित जंगल में जा पहुंचे। वहां उन्हें प्रसेनजीत और उनके अश्व का मृत शरीर मिला। ये देखो, यहाँ पर तो सिंह के पंजों के चिन्ह है। प्रतीत होता है
कि किसी सिंह ने प्रसेनजीत और उनके अश्व की हत्या करके उनसे वो समयंतक मणि ले ली है। चलो हम सिंह के पद चिन्हों का पीछा करते हैं, शायद वहीं हमें समयंतक मणि भी मिल जाए। श्री कृष्ण और सभी यादव सिंह के पद चिन्हों का पीछा करते करते उस सिंह तक जा पहुंचे, परंतु वहां उन्हें उस सिंह का मृत शरीर मिला। हे कृष्ण, इस सिंह ने प्रसेनजीत और उनके अश्व की हत्या की, परंतु इस सिंह की हत्या आखिर किसने की? ये देखो, ये तो रीछ की पंजों के निशान है। जरूर किसी रीछ ने सिंह की हत्या कर वो समयंतक मणि छीन ली है। अब इन पद चिन्हों का पीछा करते हैं। रीछ के पद चिन्हों का पीछा करते करते श्री कृष्ण सभी यादवों सहित एक गुफा में जा पहुंचे। लगता है वो रीछ इसी गुफा के अंदर रहता है। आप सब यहीं रुकिए, हम इस गुफा के भीतर जाकर समयंतक मणि को लेकर ही बाहर आएंगे। श्री कृष्ण समयंतक मणि को खोजते हुए उस गुफा के भीतर चले गए। जब प्रभु श्री कृष्ण उस गुफा के भीतर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक सुंदर कन्या समयंतक मणि के साथ खेल रही है। पिताश्री, पिताश्री। क्या हुआ पुत्री, और तुम कौन हो? जामवंत जी, क्या आपने हमें पहचाना नहीं? मैं यशोदा नंदन कृष्ण हूँ। तुम कोई भी हो, परंतु तुम्हारा हमारी गुफा में आने का क्या उद्देश्य है? जामवंत जी, मैं यहाँ तक समयंतक मणि की खोज में आ पहुँचा हूँ, जो इस समय आपके पास है। क्या ये मणि? ये मणि तो मैंने सिंह का वध करके प्राप्त की है। मैं इस मणि को तुम्हें नहीं दूंगा। अगर तुम्हें ये मणि चाहिए तो तुम्हें मुझसे युद्ध करना होगा। मुझे आज तक मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के उपरांत कोई पराजित नहीं कर पाया है। मुझे सिर्फ मेरे प्रभु ही पराजित कर सकते हैं, किंतु तुम चाहो तो मुझसे युद्ध कर सकते हो। जैसी आपकी इच्छा जामवंत जी। इसके पश्चात श्री कृष्ण और जामवंत जी के बीच भयंकर युद्ध छिड़ जाता है। जामवंत जी और श्री कृष्ण के बीच चल रहे युद्ध को अब 12 दिवस बीत जाते हैं। तब यादवों को लगता है कि श्री कृष्ण उस रीछ द्वारा मारे गए, और वो सब श्री कृष्ण को मृत समझकर वहां से वापस गोकुल चले जाते हैं। परंतु 12 दिवस के पश्चात भी श्री कृष्ण और जामवंत जी के बीच चल रहा युद्ध समाप्त नहीं होता, बल्कि उनके बीच 28 दिनों तक घमासान युद्ध होता है। जामवंत जी श्री कृष्ण को पराजित करने के लिए अपनी सारी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, परंतु वो श्री कृष्ण को पराजित नहीं कर पाते। परंतु जामवंत जी भी स्वयं अति पराक्रमी थे, जिस कारण वश प्रभु श्री कृष्ण को उनको पराजित करने के लिए पूरे 28 दिवस का समय लगा, और अंत में प्रभु श्री कृष्ण के प्रहार से जामवंत जी की नस टूट जाती है और वो श्री कृष्ण से युद्ध में पराजित हो जाते हैं। आप कौन हैं, जिसने मुझे परास्त किया? आज तक मुझे मेरे प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी के उपरांत कोई पराजित ना कर सका, परंतु आपने कैसे मुझे परास्त किया? क्या आपने मुझे पहचाना नहीं जामवंत जी? मेरे प्रभु श्री राम ने मुझसे कहा था कि वो द्वापर युग में मुझसे वासुदेव के रूप में मिलने आएंगे और मेरे साथ युद्ध कर मुझे परास्त करेंगे। हे जामवंत जी, मैं ही वासुदेव हूँ, वासुदेव कृष्ण। प्रभु, हे प्रभु, त्रेता युग से ये नेत्र आपके दर्शन को तत्पर थे। आज आपने द्वापर युग में अपने दर्शन करा के मुझे तृप्त कर दिया प्रभु। जब जामवंत जी को ये ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण ही त्रेता युग के श्री राम हैं, तो वो समयंतक मणि को प्रभु श्री कृष्ण को सौंप देते हैं। हे प्रभु, आपने मुझे अपने मंगलकारी दर्शन कराकर मेरी युगों की इच्छा पूर्ण की।
हे प्रभु, आप कृपा करके मेरी एक और इच्छा पूर्ण करें। बोलिए, आपकी क्या इच्छा है जामवंत जी? हे प्रभु, मेरी इच्छा है कि आप मेरी पुत्री जामवंती को अपना कर उससे विवाह कर लें। मेरी पुत्री के लिए आपसे श्रेष्ठ वर भला कौन हो सकता है? जामवंत जी की ये बात सुनकर प्रभु श्री कृष्ण ने जामवंती से उनके विवाह के प्रस्ताव को स्वीकार किया और प्रभु श्री कृष्ण ने जामवंत जी की ये इच्छा भी पूरी की। सत्राजित, हमने अपना कथन पूर्ण किया, समयंतक मणि को स्वीकार कीजिए। नहीं श्री कृष्ण, मैं आपसे मुझसे हुई गलती के लिए क्षमा मांगता हूँ। आप इस समयंतक मणि के असली हकदार हैं, इसे आप ही ग्रहण करें। नहीं सत्राजित, यदि मैं समयंतक मणि को अपने पास रखूंगा तो मुझ पर लगा चोरी का इल्जाम लोग सत्य समझ बैठेंगे। मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता हूँ सत्राजित। श्री कृष्ण, परंतु मैं स्वयं आपको समयंतक मणि को भेंट स्वरूप देना चाहता हूँ, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें। प्रभु श्री कृष्ण सत्राजित द्वारा भेंट की गई समयंतक मणि को स्वीकार कर लेते हैं और स्वयं पर लगे चोरी के कलंक को मिटाते हैं। प्रिय भक्तों, आपने देखा कि किस प्रकार प्रभु श्री कृष्ण को स्वयं पर लगे कलंक को मिटाने के लिए जामवंत जी से युद्ध लड़ना पड़ा, जिसे उन्होंने त्रेता युग में ही निश्चित कर दिया था, जिस कारण से ही जामवंत जी को द्वापर में उनके प्रभु के दर्शन हुए। तो प्रिय भक्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये कथा पसंद आई होगी। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं कि आपको आज की ये कहानी कैसी लगी और आप अगली कहानी किस महावॉरियर की देखना चाहते हैं। आप हमें ये भी कमेंट करके बता सकते हैं। जय श्री कृष्ण।